नमस्कार, स्वागत है आप सबका लोकतंत्र 2014 में। मैं हूं कवींद्र। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी में सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतरते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है। आपको दिखाएंगे कि प्रचार के दौरान दिन भर कहां पर क्या मुद्दे उठाए गए और किस पर क्या आरोप लगे। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। सभी पार्टी ने झोंकी ताकत, दिग्गजों की रैलियां। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की उद्धव ठाकरे की तारीफ, कहा शिवसेना को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं कड़ी मेहनत। रत्नागिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, सरकार बनने के बाद सबसे पहले मछुआरों की समस्याओं पर ध्यान देने का दावा। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप, कहा कथनी और करनी में है फर्क। और हरियाणा में फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कसी कमर, पर्दे में आने वाली महिलाओं पर भी होगी खास नजर। और सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र की चुनावी खबरें। विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में रैलियां कर रहे हैं। रत्नागिरी और पालघर में उन्होंने इलाके की समस्याओं पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र का समुद्र तट पूरे देश के लिए समृद्धि का दरवाजा बन सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने मछुआरों की समस्याओं के लिए प्रयास किए और पहल की। 10 साल में पहली बार पाकिस्तान ने 50 से अधिक बोट वापस करने का काम किया और 200 से अधिक मछुआरों को जेल से छोड़ने का काम किया। भाइयों बहनों, सरकार बनाने के तुरंत बाद अगर मैंने पहला काम किया तो ये काम किया। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन अभी से नए गठबंधन के संकेत भी दिखने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। पवार ने कहा कि शिवसेना को मजबूत करने के लिए उद्धव कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे के निधन के बाद मीडिया ने शिवसेना को भविष्य को लेकर आशंका जाहिर की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इन तमाम आशंकाओं को अब तक गलत साबित किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं और चुनाव में सफलता या विफलता से इसका आंकलन नहीं होना चाहिए। मुंबई की हाईप्रोफाइल मालाबार हिल सीट पर वैसे तो कई उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सीधा मुकाबला कांग्रेस और एमएनएस के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुशीबेन शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो एमएनएस की तरफ से राजेंद्र शिरोडकर चुनावी मैदान में है। मुंबई का मालाबार हिल इलाका गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। देश की आर्थिक राजधानी के केंद्र में बसे मालाबार हिल इलाके में शहर के संभ्रांत वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ कई परिवार गुजराती और पारसियों के हैं, जो 1920 के दशक में यहाँ आकर बसे थे। यहाँ चुनाव लड़ना कड़ी चुनौती है। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से उम्मीदवारों को घर घर जाकर वोट मांगना पड़ता है। कांग्रेस की महाराष्ट्र महिला इकाई की अध्यक्ष सुशीबेन शाह पिछले 15 साल में हुए विकास कामों के बल पर वोट मांग रही हैं। Here in Maharashtra, Maharashtra is the number one state of the country, and the Gujarat model certainly cannot work here. We are very sure that this time we will have a thumping majority and we will form the government. लेकिन सुशीबेन शाह का असली मुकाबला वकील से नेता बने राजेंद्र शिरोडकर से है। शिरोडकर यहीं जन्मे और पले बढ़े हैं। उन्हें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का करीबी माना जाता है। People are fed up with the internal politics of BJP and Sena, and therefore people want a candidate who is an educated candidate, who has an agenda backed by our blueprint or version of improvement of Maharashtra. So people are definitely in favor of us. मालाबार हिल सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी ने यहां से विधायक को दूसरी सीट से टिकट दिया है।
निगम चुनावों के वक्त शिवसेना के कई कार्यकर्ता एमएनएस में शामिल हो गए, इससे यहां एमएनएस की ताकत बढ़ी है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, मालाबार हिल। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। उधर गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी नेताओं के बीच अब मुख्यमंत्री पद की दौड़ भी तेज हो चली है। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में शामिल हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से महाराष्ट्र में पार्टी का जाना पहचाना चेहरा है। वो 25 साल से विधायक हैं। खड़से मुक्ताईनगर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन वो शाहदा और शीरपुर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। शीरपुर से मुक्ताईनगर के लिए रवाना होने से पहले खड़से ने महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर बात की। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की ये घोटालेबाज सरकार पे उन्होंने अटैक करना चाहिए था, पर उनको छोड़ के वो बीजेपी पर ही ज़्यादा अटैक करते हैं। इसके अलावा मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूँ कि आपका शत्रु क्रमांक कौन है? पहला नंबर का आप किसके विरोध में लड़ना चाहते हो? मुक्ताईनगर में एकनाथ खड़से के घर पर लोगों की भीड़ जुटी है, जो राशन कार्ड, पीने का पानी जैसी शिकायतों के निदान के लिए उनके पास पहुंचे हैं। खड़से समर्थकों का दावा है कि वो किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। खड़से साहब ऐसे एक ही नेता है कि जो कोई गरीब से गरीब उनके मतदार संघ का कोई आदमी रहेगा, अगर वो उनके कॉइन बॉक्स से एक रुपये डॉलर से फ़ोन करेगा तो वो मोबाइल उठाते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और उसके समस्या का जो समाधान है वो बहुत उसी वक्त उसका समाधान कर देते हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर खड़से का कहना है कि पार्टी नेतृत्व का फैसला करेगा, लेकिन वो ये कहना भी नहीं भूलते कि उत्तरी महाराष्ट्र में अभी तक राज्य का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार कई दिग्गज नेताओं की अगली पीढ़ी सक्रिय भूमिका में है। दिग्गजों के इस नई पीढ़ी में कई बतौर उम्मीदवार भी चुनावी रण में है, तो कई चुनाव प्रचार के जरिए अपना राजनीतिक भविष्य संवार रहे हैं। राजनीति में परिवारवाद हमेशा से निशाने पर रहा है। सभी सियासी दल वंशवाद की राजनीति पर सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन चाहे चुनाव के टिकट की बात हो या फिर चुनाव प्रचार की, तो मौका नेताओं के अपनों को ही मिलता रहा है। महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने कई नेताओं के बेटे बेटियों को और परिजनों को टिकट दिया है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों पंकजा और प्रीतम मुंडे को चुनावी समर में उतारा है। पंकजा मुंडे परली विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी बेटी प्रीतम मुंडे गोपीनाथ मुंडे के निधन से खाली बीड लोकसभा सीट से उपचुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद सूबे में ये पहला विधानसभा चुनाव है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में पार्टी की कमान है। कभी खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से दूर बताने वाले उद्धव ठाकरे प्रचार में इस बार खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस ने नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख को लातूर ग्रामीण, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति को सोलापुर मध्य, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की पत्नी अमिता चव्हाण को भोकर, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बेटे राव साहेब शेखावत को अमरावती से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे के बेटे राहुल ठाकरे को यवतमाल और प्रचार प्रभारी नारायण राणे के बेटे नितेश राणे को कणकवली से मौका दिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी पार्टी के लिए प्रचार कर रही हैं, तो उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बारामती से दांव आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के विदर्भ में बसे वर्धा जिले में रोजगार का मुद्दा चुनावों में इस बार जोर शोर से उठ रहा है। ये इलाका किसानों की समस्याओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 15 तारीख को होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि रहे वर्धा में बापू के आदर्शों की झलक साफ दिखाई देती है। वर्धा के सेवाग्राम की इसी कुटिया में महात्मा गांधी लंबे अरसे तक रहे, लेकिन जिन किसानों और गांवों के लिए उन्होंने यहां से लंबी लड़ाई लड़ी, उसी इलाके में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान यहां प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। खेती पर निर्भर वर्धा में लोगों का पलायन भी गंभीर समस्या बना हुआ है।
अगर पांचवा और छठवा वेतन आयोग ये सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है शहरी संगठित कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने में और उनकी ज़िंदगी सुधारने में, तो किसानों के लिए भी मजदूरों के लिए भी सरकार के नीतिगत इंटरवेंशन की ज़रूरत है। विदर्भ जो इलाका है, प्राकृतिक संसाधन है यहाँ पे, उसका यूटिलाइज किया जाए, किसानों की जो समस्या है उनके बीज से लेके पानी से लेके इन सबको उन तक बेहतर रूप से पहुँचाया जाए। वर्धा जिले में 2009 की विधानसभा चुनावों में आरवी सीट पर बीजेपी, देवली में कांग्रेस, हिंगड़घाट में शिवसेना और वर्धा सीट पर निर्दलीय को जीत मिली थी। जिले में इस बार कुल मतदाता 10,40,000 और 69 उम्मीदवार हैं। चारों सीटों पर 1,301 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 56% लोगों ने वोट डाले थे। प्रशासन ने इस बार मतदान बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। जो भी मतदाता हमारे हैं, जो 10,40,000 वो निर्भय होके बिना किसी रोक टोक के बिना इसी जैसे अपना अपने स्वेच्छा से अपना मतदान करके अपना जो अधिकार है, अपना सहयोग जो नेशनल वर्क है ये उसमें दे सके, उसके लिए हम लोग की तैयारी चालू है। अलग विदर्भ की मांग वर्धा में लंबे समय से उठाई जा रही है। जाहिर है जब गठबंधन टूटे हैं तो मतों में बिखराव भी हुआ है, जिससे यहाँ के सियासी समीकरण बदल गए हैं। जनता को अगली सरकार से विदर्भ के इस इलाके के विकास की उम्मीद है। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक उस पार कुछ और चुनावी अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब आपको ले चलते हैं जलगांव से 60 किलोमीटर दूर अमलनेर। जी हाँ, कई दशक पहले यहाँ पर अजीम प्रेमजी के पिता ने डालडा फैक्ट्री की शुरुआत की। कारोबार को विस्तार देकर अजीम प्रेमजी ने विप्रो की स्थापना भी की। विप्रो के बाद इस कस्बे में शेयरधारकों की किस्मत चमकी, लेकिन वो पूरे अमलनेर की हकीकत नहीं बन पाई। विकास के लिए यहाँ के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। कदमबाद के पिता ने 50 साल पहले 10 रुपए का शेयर खरीदा था हाशम प्रेमजी की कंपनी वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। वो शेयर सालों साल घर के किसी कोने में खोया रहा। विप्रो बनने के बाद अचानक ही कदमबाद करोड़पति बन गए, लेकिन ये अमलनेर का पूरा सच नहीं है। ये अब बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है। 15-20 सालों से यहाँ पे ऐसा रहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ऊपर जो रहती है उसका पोजीशन वाला इधर चुन के आता है, तो इसलिए कुछ विकास ही नहीं हुआ है। खराब गलियाँ, टूटी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और 8 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती यहाँ की हकीकत है। उस अमलनेर की हकीकत है जहाँ विप्रो कंपनी के 2% शेयर धारक है। बिजली तो नहीं रहती और यहाँ के बेरोजगारों को कोई काम नहीं है, इसीलिए ये विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। हालांकि 2 दिन बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टी विकास का दावा कर रही हैं। ये जो आज तक जितने भी MLA हो गए, विधायक हो गए, ये सभी आमदारों ने मैंने ये रास्ता किया, ये लाइट लगाए, गटर किए, ये उनकी संकल्पना है, लेकिन मैं इसको विकास नहीं बोलता हूँ, ये तो मूलभूत गरजा है। हमारे कैंडिडेट को चुन के देगी तो जो सिंचाई का क्वेश्चन अपना बाकी है, पेंडेंस है, वो पूरा करके छोड़ेंगे। रास्ते के जो क्वेश्चन है वो भी पूरा करके छोड़ेंगे। यहाँ फार्मर लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो गरीबों को जो घरकुल योजना रहती है, उस योजना में एक भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जो जिसको घरकुल नहीं मिलेगा। अमलनेर को 2014 के इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। बदलते समय के साथ अमलनेर भी विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता है और प्रत्याशियों ने विकास को ही चुनावी मुद्दा भी बनाया है। अमलनेर से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। तो अमलनेर जहाँ अभी भी विकास की बाढ़ जो रहा है, वहीं पर महाराष्ट्र के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी इस बार त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी उम्मीद के चलते पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या करीब करीब 3 गुनी है और माना जा रहा है कि इस बार सरकार बनाने में इनकी भूमिका खासी अहम हो सकती है, क्योंकि गठबंधन टूट चुके हैं। देखिए यह खास टीवी रिपोर्ट। कांग्रेस, NCP और शिवसेना BJP के गठबंधन टूटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात बदल गई है। बहुकोणीय मुकाबले में अब निर्दलीय भी उत्साहित होकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 75% of youth is unemployed, so we have to work on those lines and we have to work for this youth and cater to their employment. That will cater and
that will cater to other problems which Dhulia city is facing right now. हालांकि इनमें से कई उम्मीदवार बस अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए मैदान में उतरते हैं और कुछ उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के वोट में सेंध लगाने के लिए भी उतारा जाता है, लेकिन कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो बड़ी पार्टी से बागी होकर मैदान में डटे हैं। लगभग 20 कैंडिडेट के ऊपर इंडिपेंडेंट चुनकर आ सकते हैं और जो भी कैंडिडेट चुनकर आएंगे वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2009 में 1820 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 24 को जीत हासिल हुई। 15% से ज्यादा वोटों पर इनका कब्जा था। इस बार 7000 से ज्यादा निर्दलीय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बड़ी पार्टियां भी निर्दलीय की शक्ति को स्वीकार कर रही हैं। मुझे लगता है क्योंकि जहां शिवसेना, बीजेपी, एमएनएस, कांग्रेस ऐसी 5 पार्टियां लड़ते हैं तो वोटों का डिवीजन होता है और डिवीजन का लाभ जैसा राजकीय पार्टी को तो होता है तो इंडिपेंडेंट को कहीं कहीं ज्यादा होता है। 1990 में सरकार बनाने में निर्दलीय की अहम भूमिका थी। करात दक्षिण सीट के 7 बार विधायक रह चुके निर्दलीय उम्मीदवार विलास उंदालकर पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मैदान में हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस साल भी निर्दलीय विधायक सरकार बनवाने में निर्णायक और अहम भूमिका अदा करेंगे। महाराष्ट्र से राज्यसभा टीवी के लिए कृति मिश्रा। उधर विदर्भ के अमरावती जिले में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की परेशानी का कारण सिर्फ एक ही है और वो है बागी उम्मीदवार। इसके बावजूद वो सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अमरावती से कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बेटे और मौजूदा विधायक राव साहब शेखावत को मैदान में उतारा है। मुझ पर वो डॉक्टर सुनील देशमुख वंशवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन इसका एक पहले मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उस पार्टी से गद्दारी की आपने। राव साहब शेखावत के खिलाफ बीजेपी ने कभी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुनील देशमुख को मैदान में उतारा है। सुनील देशमुख ने 2009 में निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे थे। पिछले 5 साल में ही निष्कासित किया गया था, इसलिए जैसे आप समझते वैसा मैं पार्टी में नहीं था। पिछला इलेक्शन जो है मैंने अपक्ष लड़ाया। अमरावती जिले की तिवसा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस की मौजूदा विधायक यशोमती ठाकुर को उनकी ही सगी बहन संयोगिता से चुनौती मिल रही है। संयोगिता निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। रिश्ता तब तक रहता है जब तक उसमें राजनीति नहीं आ जाती। जिस दिन राजनीति रिश्ते में आ गई उसी दिन रिश्ते टूट जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग खड़े, वैसी एक वो खड़ी है, कोई विषय नहीं है उसका। रिश्ता तो रिश्तों के जगह पे रहता है। ये राजकारण है, महाराष्ट्र के लिए कोई ये नई चीज नहीं है। विकास को लेके जो हमारा मुद्दा है हम उस पे चल रहे हैं। ये निर्णय मेरा अकेले का नहीं था, हम सब ने मिलके ये निर्णय लिया हुआ है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मतों के बिखराव के बाद अमरावती में सियासी समीकरण बदल गए हैं। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागियों से निपटने की है। कैमरामैन मनोज के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, अमरावती। और फिलहाल एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रुख हरियाणा का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और ये देखते हैं कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में आज क्या कुछ चल रहा है। चुनाव आयोग हरियाणा में फर्जी मतदान रोकने के लिए खास इंतजाम कर रहा है। जनरल ऑब्जर्वर लकुल वेंगटेश्वर लू ने सिरसा में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बैठक में कहा कि मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मकसद पर्दे में आने वाली महिलाओं की जांच की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में पता चला है कि पर्दे में आने वाली कुछ महिलाएं बोगस वोटिंग करती हैं। लू ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहा कि वो लोगों को वोटिंग करने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज हरियाणा के नूह में एक रैली को संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 1966 में नया राज्य बनने के बाद आज तक हरियाणा में विकास नहीं हुआ। उन्होंने राज्य सरकार पर किसानों, युवाओं और महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। दस वर्षों से लगातार तो यहां पर कांग्रेस की ही हुकूमत रही है। केंद्र में भी लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही है। दोनों स्थानों पर एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद यहां का विकास नहीं हो पाया।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी में एक जनसभा को संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिनों के नाम पर लोगों को गुमराह किया। उन्होंने दावा किया कि कथनी और करनी में फर्क के चलते केंद्र सरकार की साख गिरी है। तो चार महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, मैं कह सकता हूं बहुत देखे मैंने, जितनी जल्दी साख इस पार्टी की इस सरकार की गिरी है और किसी की मैंने गिरते देखी नहीं। क्यों? क्योंकि चुनाव में कहा कुछ और अब कर कुछ रहे। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने वोटरों को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। लोगों में राज्य के विकास को लेकर उतनी शिकायत नहीं, हालांकि उनका कहना है कि सरकार और जनता के बीच की दूरियां बढ़ी हैं। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, एक तरफ पुरानी फसलों के अवशेषों में आग लगाई जा रही है तो दूसरी तरफ लहलहाते खेत। कुल मिलाकर किसान खुशहाल हैं, लेकिन इतना होने पर भी किसानों का एक तबका कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट देने की सोच रहा है। शुरू से हम तो कांग्रेस में वोट दे रहे थे जी, जब से देश आजाद हुआ था अब तक देते रहे, उसने कोई फायदा नहीं किया जिम्मेदारों का, इसलिए हमें अब पार्टी बदलने के लिए बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लोगों के मुताबिक कांग्रेस के शासन में नौकरशाही बेलगाम हो गई थी, जिसके चलते जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा और कई मौलिक सुविधाएं उस तक नहीं पहुंच पाई। कांग्रेस भी काफ़ी भ्रष्टाचार के उसमें चली गई और किसी तरह की कांग्रेस के अंदर भी किसी गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस के अंदर चल रही कलह भी पार्टी की कमजोरी मानी जा रही है, हालांकि पार्टी इसे ज्यादा महत्व नहीं देती। उसका कहना है कि वो विकास के नाम पर बहुमत प्राप्त कर लेगी। पिछले साल जब श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस की सरकार थी तो ये धान बाहुल्य क्षेत्र है, 11, 21 और 1509 किस्म का धान 4400 से 4800 रुपया प्रति क्विंटल बिका। जब से मोदी जी के अच्छे दिन आए तो वो 2000 से 2200 रुपये क्विंटल पर गिरकर हो गया है। कैथल में आके विकास देखा जा सकता है, हालांकि कुछ लोगों का आरोप है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ रोहतक पर ही ध्यान दिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता को कांग्रेस ने केवल मात्र लूटने के अलावा कुछ नहीं किया है, विकास के नाम पर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इन्होंने जनता का विकास नहीं बल्कि स्वयं का विकास किया है। इस बार के चुनाव में जाट और गुज्जर मतों में विभाजन होता दिख रहा है, हालांकि दलित और डेरा समुदाय अब भी कांग्रेस के साथ हैं। अब देखने की बात होगी कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस विकास के नाम पर कितनों का वोट हासिल कर पाती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, कैथल। कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता चौधरी बीरेन्द्र सिंह सूबे में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में वो कांग्रेस पर हुड्डा की कांग्रेस होने का आरोप भी लगाते हैं। चौधरी बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि जनता का हित उनके लिए सबसे पहले है। चीन में हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने चौधरी बीरेन्द्र सिंह से खास बातचीत की। चुनाव से ठीक पहले भाजपा, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस बन के रह गई। कितना डिफरेंस आपको लगता है अब आप भाजपा के चेहरे हैं? कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे राष्ट्रीय सहमति बनती है, चाहे वो विचारधारा के अनुकूल प्रतिकूल हो वो अलग बात है। इस बड़े राष्ट्र को चलाने के लिए हमें आम सहमति की जरूरत है। क्या ये माना जाए कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं? ये सियासत में छोटी सोच का परिचायक है। कोई आदमी कहे साहब मेरे को ये बनाओ तो मैं आता हूँ, नहीं तो मैं नहीं आता। मैं इस बात में यकीन नहीं रखता, लेकिन इस बात में यकीन रखता हूँ कि अगर मेरे में क्षमता है, ताकत है, इफ़ आई कैन डिलीवर, तो कोई भी मुझे कंसिडर करेगा। नहीं तो क्या ये माना जाए एक बार फिर से दोनों परिवार के बीच चौटाला परिवार वर्सेज चौधरी बीरेन्द्र सिंह परिवार लड़ाई फिर से? यहाँ चौटाला साहब के जो ग्रैंडसन हैं उनके, दुष्यंत चौटाला, उनको अभी 4 महीने पहले यहाँ की जनता ने MP बना के भेजा था। क्या हक है एक आदमी को जो 4 महीने पहले MP बन के गया, वो कहते हैं कि अब फिर मेरे को जिताओ। 4 से 45 तक की यात्रा तय करने में किन मुद्दों पर जनता साथ दे सकती है भाजपा का? नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने युवाओं के प्रति एक अपनी विचारधारा की अभिव्यक्ति की है, उससे लगता है कि युवा आज पूरे तौर पे हरियाणा में आने वाली सरकार वो चाहते हैं जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए।
तो ये थे चौधरी बीरेंद्र सिंह, भाजपा के नेता। हरियाणा में जो उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी को 4 से 45 का सफ़र तय करने में शायद कोई खास मुश्किल नहीं होगी, इंतज़ार करना पड़ेगा 19 तारीख तक। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ विशाल दैया, राज्यसभा टीवी, डूमर खां, जींद।